मंत्री कंवरपाल गुर्जर की कांग्रेस पर चुटकी देखी गई है। कंवरपाल गुर्जर कांग्रेस पर चुटकी लेते नजर आए। उन्होंने कहा कि चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा पर ये चुटकी ली गई। वहीं कांग्रेस के कई दिग्गज इस दौरान चुनाव लड़ते नहीं नजर आएंगे। कांग्रेस के हालात के लिए राहुल गांधी को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है। मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस दौरान INLD पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अपना अस्तित्व INLD खो चुकी है। वहीं दबाव डालकर वोट मांगने में फिलहाल INLD जुटी हुई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर चुटकी ली है। चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा पर यह चुटकी ली गई और इन परिस्थितियों को पैदा करने में राहुल गांधी जी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है कि इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा कर दी। अब कांग्रेस को कहीं दिखाई दे रहा था कुछ भी, कांग्रेस को लगता नहीं कहीं सीट मिलेगी, तो इसलिए निश्चय भी कुछ नहीं है। तो इसलिए जो बड़ी लीडरशिप है वो चाहती है कि हम चुनाव ना लड़े, चुनाव कोई और लड़ ले। ठीक है, हम पार्टी में हैं, हम भाषण देने के लिए हैं, लड़ने के लिए कोई और जाए। पहले क्या था कि पहले सारे तैयार होते कि हमें चुनाव लड़ाओ, बाकी सब कोई अर्थ नहीं है टिकट का। अब ये कहते हैं कि भाई हमारी जरूरत नहीं, हम तो पार्टियां काम करेंगे, चुनाव तो किसी और को लड़ा दो। तो क्योंकि कांग्रेस की स्थिति रही इस टाइम, इस कारण से आज चुनाव लड़ने की तैयार नहीं हो। अब देखिए उनका कुछ बचा नहीं है इस टाइम, अस्तित्व समाप्त हो गया। एक टाइम था कि लोकदल मजबूत पार्टी होता था, लगभग 26% वोट उनको मिलता था। अब तो निशाने बिचारा मुश्किल है कि निशान भी रह जाए तो वो भी बड़ी बात है। और आज उनका एक विधायक है, जहां के लगभग 25-26 विधायक होते ही थे हर बार, मतलब 20 से ज्यादा ही विधायक होते थे, आज एक है। तो कुछ अस्तित्व बचा नहीं, इसलिए अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से डराए सबको, और डराने के बाद कुछ लोग कहेंगे चलो भाई इनको भी साथ लो। तो अगर 1 से 2 या 2 से 3 हो जाए तो अच्छा है। तो इसके लिए मेरा ख्याल है आज तक जितनी निष्पक्षता के साथ बीजेपी काम कर रही, मैं नहीं समझता इतनी निष्पक्षता के साथ किसी ने काम किया।